तो हेलो गाइस, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो यार क्या हाल है सभी के। राउंड थ्री तक आप लोगों की सीट्स अलॉट हो चुकी है एंड अब बारी है स्पॉट राउंड की। अब मैं भले बीबीए की बात करो या बीटेक की बात करो, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ दिनों से बहुत सारे बीबीए वाले बच्चों के भी डीएम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। एंड बीटेक वाले बच्चे जिनकी राउंड थ्री की रिपोर्टिंग हो चुकी है एंड स्लाइडिंग जो है तुम्हारा इस बार नहीं हुआ, तो अब तुम्हारा क्या सीधा स्पॉट राउंड होगा। और जिसका फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन था, तो वही है कि फ्लोट करो फ्रीज करो, कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। एंड जो बीबीए वाले बच्चे जिनका रिजल्ट कल आया है उनको अभी रिपोर्टिंग करनी है, उनकी शायद 1 तारीख तक रिपोर्टिंग है, तो वो अपनी रिपोर्टिंग कर लेना। भले फ्लोट करो फ्रीज करो, आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा। अब क्या है मेन, इसके बाद आता था स्पॉट राउंड। अब बच्चे पूछ रहे भैया हमें कॉलेज जो भी अभी मिला है हमें वो नहीं चाहिए, बट हमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या हमारी पिछली वाली सीट रहेगी? तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले एंड कट ऑफ की थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है स्पॉट राउंड में, क्योंकि बच्चों का यही डाउट आ रहा है जो मैं मैसेज पढ़ भी रहा हूँ। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें और अभी डिस्कस करेंगे। एंड जो चैनल भाई न्यू है ना, सबसे पहले जाके काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नीचे यहाँ पे रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना, जाके सब्सक्राइब कर दो। जो भी वीडियो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यू न्यू मैं लाता रहूँगा वो देखते रहना, अपना सारी चीज़ें पता लगेगी। स्पॉट की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, स्पॉट में क्या क्या चीज़ें होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उस टाइम पे लेके जानी है, तो भाई सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल रही होगी। कॉलेज खुलने के बाद आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही होगी टोटली फ्री में। कोई पेड काउंसलिंग वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब बात आ जाती है स्पॉट राउंड की। देखो भाई स्पॉट राउंड की डेट्स कब तक आएगी कॉलेज में, जैसे बीटेक वालों की अगर मैं बात करूँ तो बीटेक का यही था, जैसे ही आपका राउंड थ्री का रिपोर्टिंग वगैरह खत्म हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद आने वाला था, लाइक आज आने वाली थी, तो अभी तक तो आया नहीं है। अभी देख लो एक आधे दिन में आ जाता है। बाकी आप मोस्टली आप देखो राखी से पहले पहले आ जाए या राखी के बाद आ जाएगा, ठीक है। एंड जो बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जैसी रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी उसके भी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वो स्पॉट राउंड का वो डाल देंगे कि आपकी स्पॉट राउंड कब होगी। अब बात आती है कि भैया आपके पास राउंड थ्री में कोई भी सीट है, अब आप जा रहे हो स्पॉट राउंड में, तो आपकी पिछली वाली सीट चली जाएगी? तो भाई ऐसा नहीं होता। आपके पास राउंड थ्री में कोई भी सीट है एंड अब आप जा रहे हो स्पॉट राउंड में, तो स्पॉट राउंड में आप जैसे ही जाओगे अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, तब आपके जो पिछली वाली सीट रहेगी वो वाली सीट हटके एंड जो आपकी न्यू सीट होगी वो आपको अलॉट होगी। अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई, तो फिर तो भाई जो आपकी पिछली वाली सीट थी वो की वो वैसे की वैसे ही रहेगी, तो उसकी टेंशन मतलब। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मैं पढ़ ही रहा था इंस्टा पे, इनके डीएम्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मोस्टली के यही आ रहे कि भैया अगर हम स्पॉट राउंड में जाते तो हमारी पिछली वाली सीट चली जाएगी, जो हमें मिली है वो चली जाएगी। एंड फीस की एक बात बता दूं, अगर आपको स्पॉट में कोई कॉलेज मिल गया, लाइक आपको अभी तक राउंड थ्री में आपको सूरजमल मिला हुआ है एंड आपको सूरज मिल नहीं, आपको जो स्पॉट राउंड में आपको उसमें मेट में कोई सीट मिल जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप जब जाओगे मेट में रिपोर्टिंग करोगे स्पॉट राउंड में जब सीट मिल गई, अब आप जाओगे मेट में रिपोर्टिंग करोगे, फीस वगैरह दोगे एंड जो आपका सूरजमल कॉलेज है वहां से आपको रिफंड मिलेगा, तो वो आपको रिफंड वहां से आ जाएगा एंड आपको मेट में अलग से अपनी फीस देनी पड़ेगी। तो ये टेंशन मतलब कि भैया फीस आएगी या नहीं आएगी, तो आपकी फीस आपको यहां से रिफंड हो जाएगी और आपको यहां से दूसरे कॉलेज में देनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है। अब बीबीए की बात हो जाए बीटेक की बात हो जाए, दोनों का ये सिस्टम रहने वाला है। एंड उसके बाद भाई जो आउटसाइड दिल्ली बच्चे जो इनसाइड अब दिल्ली कॉलेज आ रहे हैं, तो बहुत जगह अब बच्चे ये डीएम करें कि भैया हमें हॉस्टल चाहिए, हमें पीजीज वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी भाई टेंशन मतलब। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, आपको पीजी चाहिए, आपको फ्लैट्स चाहिए, आपको जैसा मर्जी, आपको जहां मर्जी रहना है आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर लो, डायरेक्टली आपको फ्लैट पीजी वगैरह अवेलेबल करवा देंगे रीजनेबल रेट्स पे। अपने पेरेंट्स वगैरह को लेकर आ जाना, तो वो आपको हेल्प करवा देंगे उन चीज़ों में, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल देता हूँ। एंड इसके बाद आ जाते हैं अभी लाइक कुछ ये बात चल रही है कि काउंसलिंग वगैरह की बात चल रही है, धंधे वगैरह की बात चल रही है, तो इसके मैंने रिगार्डिंग सोचा कि बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि स्पॉट राउंड में कोई उनको मैसेज कर रहा है कि आप इतने पैसे दो हम आपको सीट दिला देंगे, कंफर्म दिला देंगे। तो जैसे मैं अभी दिखा नहीं रहा, जैसे ये मैसेज आ रहा है कुछ बच्चों का, तो वो ऐसे आपको मैसेज करते कि आप अपना नंबर दे दो, अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ले लो और उसके बाद हम आपको सीट दिला देंगे। तो भाई ये धंधा वगैरह जो वाले बंदे हैं ना, तो उनसे थोड़ा बच के रहो। और ये फिर दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि अपना धंधा नहीं चलता तो दूसरों का धंधा बुरा लगता है, तो मेरे भाई हम अपना कोई धंधा नहीं कर रहे, तुम्हारी तरह अपना यहाँ पे कोई सीन नहीं है, तुम्हारी तरह तो धंधे वाला तुम धंधे खोल के बैठे हो, अपना भाई बस फ्री में जितना हो सके बच्चों के लिए भाइयों के लिए हम इतना करते हैं, ठीक है, अपना कोई ऐसे नहीं है। और जैसे मैं और भी दिखा दूँ, चैट्स वगैरह कहाँ गई यार, छोड़ो वो क्या ही दिखाओ इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे बहुत सारी है, अगर देखनी हो तो डीएम वगैरह करते ना दिखा देंगे। वैसे अपना कोई धंधा वगैरह है नहीं, और धंधे वाले भाई अगर देख भी रहे हो तो भाई पहले देख लेना कि भाई कौन धंधा कर रहा है एंड कौन धंधा नहीं कर रहा, पहले ये पता कर लेना, उसके बाद फिर स्टोरी वगैरह पोस्ट एंड मेंशन किया करो, तो वो थोड़ा ध्यान रखा करो भाई मेरे।
एंड स्पॉट राउंड के रिलेटेड अभी जैसी नोटिस वगैरह आएगा तो मैं आपको डाल दूंगा। एंड बाकी कॉलेज मंथन एक वेबसाइट या पे इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा कॉलेज मंथन का, वहां पे सारी चीजें आपको अपडेट्स जो भी आपकी स्पॉट राउंड से रिलेटेड आ रही होगी, आपकी कोई कट ऑफ से, आपकी कोई रैंक है, आपको कुछ डाउट है, आप भाई वहां पे डायरेक्टली पूछ लो, वहां पे टीम वगैरह बैठी है, वो आपकी मदद कर रही होगी, हेल्प कर रही होगी। मेरे को मैसेज करते हो, मेरा लाइक अभी कॉलेज भी चल रहा है एंड इंटर्न वगैरह एंड बहुत सारी चीजें, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, भाइयों के बहुतों के मैसेज आ रखे होते हैं, बट जितना होता है रात को बैठ कर अपना रिप्लाई कर देते हैं जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होती है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कॉलेज मंथन में जाके करो, वहां पे और भी मतलब जो भैया वगैरह है बैठ के सारे रिप्लाई कर देंगे आपके, तो बाकी कोई दिक्कत परेशानी तो कर देना मैसेज, और कोई वीडियो वगैरह की डिमांड है तो भाई डिमांड वीडियो बता दो क्या कौन सी वीडियो लेके है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एंड बाकी तुम्हारा भाई ट्रैवलिंग वगैरह की व्लॉग्स भी अब डाल रहे कॉलेज, तो जैसे तुम्हारे एडमिशन हो ही चुके हैं एंड फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कॉलेज में आने के बाद एग्जाम्स आएंगे, मिड टर्म्स आएंगे, तो उसके बारे में सारी चीज़ें तुम्हारा भाई बैठ के सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे कैसे करना है कॉलेज में आना है एंड कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए भाई चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर देना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय बाय, जय श्री राम।